Good morning, class. This is our next ana physio class, in which today we will study about the physiology of nose and paranasal sinuses and olfaction. In our previous class, we studied about the anatomy of nose and paranasal sinuses. तो एनाटमी हमने अपनी लास्ट क्लास में कंप्लीट कर ली थी. अब हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है नोज़ और पीएनएस की और उसके ऑल्फैक्शन की. तो देखिए, सबसे पहले नोज़ फंक्शन क्या क्या करता है. दो फंक्शन कर रहा है, रेस्पिरेशन ऑल्फैक्शन का है ना, स्मेल का और ब्रीदिंग का. मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, कौन से इंट्रोडक्शन में, एनाटमी ऑफ नोज़ के इंट्रोडक्शन में मैंने पहली लाइन यही बोली थी कि नोज़ हमें हेल्प करता है ब्रीदिंग और किस में, स्मेल में, जिसको हम साइंटिफिकली कहते हैं रेस्पिरेशन एंड ऑल्फैक्शन. रेस्पिरेशन में हीट एक्सचेंज होती है, ह्यूमिडिफिकेशन चलता है बॉडी का, ह्यूमिड होती है, फिल्टरेशन जो हवा आ वो छनती है, नेज़ल रेजिस्टेंस होता है वो ऑर्गेनिज्म या बाहर के पार्टिकल को रोकता है, नेज़ल फ्लूड और सीलरी फंक्शन करता है हमारा नाक, नाक में से फ्लूड्स वगैरह निकल रहे हैं, सीलियरी फंक्शन जो हेयर्स है उनका अपना अलग फंक्शन है, नेज़ल न्यूरोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेस चलता है और वॉइस मॉडिफिकेशन है ना. जब हमारे को जुखाम होती है तो हमारी वॉइस मॉडिफाई हो जाती है, नाक बंद होता है वॉइस मॉडिफाई हो जाती है, तो वॉइस मॉडिफिकेशन का भी असर दिखाई दे रहा होता है नोज़ के फंक्शन से जुड़ा हुआ. और इसके अलावा ये ऑल्फैक्शन यानी स्मेल का फंक्शन करता है. अब पीएनएस पैरानेजल साइनस के फंक्शंस क्या हैं, वोकल रेजोनेंस, आवाज़ को रेजोनेंस प्रोवाइड करता है पीएनएस. जो आपने एयर अंदर ली है उसकी कंडीशनिंग होती है, एयर कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर. प्रेशर डैम्पर का काम करता है पीएनएस आपके बॉडी में. स्कल के वेट को कम करता है, वाटर में स्कल को फ्लोट होने देता है और ऑल्फैक्ट्री एरिया को बढ़ाता है. ये पीएनएस के फंक्शन से अपन क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं नोज़ और पीएनएस की. तो फंक्शन हमने पढ़ ली है, अब हमें तीसरा ऑल्फैक्शन पढ़ना भी है. उससे पहले रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म देख लें. रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस चलते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन. सांस का अंदर खींचना और सांस का बाहर निकालना. इंस्पायरेशन में एयर करंट जो है वो पास होती है नेजल कैविटी के मिड पोर्शन के अलोंग लैमिलर फ्लो में. नेजल कैविटी में, लैमिलर फ्लो में जो नेजल कैविटी है उसके मिड पोर्शन में एयर करंट पास होती है, ये इंस्पायरेशन है. एक्सपायरेशन में नेजल वॉल के रेजिस्टेंस, नेजल वॉल और टर्बिनेट्स का रेजिस्टेंस है जो कि आगे जाकर के एडी करंट बनाता है. एक्सपायर्ड एयर में एडी करंट डेवलप होता है एक्सपायरेशन से. ये रेस्पिरेशन में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों का प्रोसेस बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत सा दिखाया गया, कैसे सांस अंदर ले रहे हैं और कैसे सांस को हम बाहर निकाल रहे हैं. इसको, इस डायग्राम को थोड़ी देर ध्यान से देखिएगा कितना अच्छा, एकदम सीधा 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 सा हमने सांस को अंदर ले लिया तो इंस्पायरेशन है, पर एक्सपायरेशन में देखिए भाई कितने कितने कर्व्स आ रहे हैं, फिर ये घूमती हुई सांस जा रही है, ऐसे सीधे सीधे से नहीं जा रही. एयर कंडीशनिंग, भाई पहले तो ये रेस्पिरेशन का काम कर रहा था नाक हमारा, दूसरा एयर कंडीशनिंग कर रहा था. एयर कंडीशनर में फिल्ट्रेशन होता है, पार्टिकल जो 3 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं इंस्पायर्ड एयर के अंदर वो नेजल विब्रेसी के अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं, अंदर जा नहीं पाते हैं, ये फिल्ट्रेशन चल रहा है. टेम्परेचर कंट्रोल में हीट एक्सचेंज होती है ब्लड और कैवर्नस वीनस साइनोसॉइड्स के बीच में. जो टर्बिनेट्स के कैवर्नस वीनस साइनोसॉइड्स है उसका ब्लड और इंस्पायर्ड एयर के बीच में क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज यानी रेडिएशन. तीसरा ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है. ह्यूमिडिफिकेशन में नेजल का सीक्रीशन, नेजल और पीएनएस म्यूकोसा के सीक्रीशंस आते हैं ताकि बेटर सीलरी एक्शन देखने को मिल सके. अब लोअर एयरवे का प्रोडक्शन भी करता है हमारा नाक, किससे करता है, म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट से. म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट पाया जाता है हमारे लोअर एयरवे से पहले, जो कि पैथोजन को ट्रैप कर लेता है इंस्पायर्ड एयर में. 0.5 माइक्रोमीटर से बड़े अगर पैथोजन्स आ रहे हैं तो उनको ट्रैप कर लेगा एंड ट्रांसपोर्ट देम टू नेजोफेरिंग्स फॉर स्वेलोइंग, और उसको नेजोफेरिंग्स में स्वेलोइंग के लिए भेज देगा.
दूसरा इसी लोअर एयरवे के प्रोटेक्शन में स्नीजिंग होती है, जो कि अगर कोई इरिटेंट्स हमारे अंदर घुस गया तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्नीजिंग, तो जैसे आप छींकेंगे वो चीज़ वापस बाहर आ जाएगी, कोई इरिटेंट है तो उससे उसका इरिटेशन ख़त्म हो जाता है, वो चीज़ बाहर आ जाती है। नेक्स्ट लाइसोजाइम पाया जाता है लोअर एयर में, जो कि हमारे को बैक्टीरिया और वायरस को किल कर देता है, ताकि हमें प्रोटेक्शन मिल सके, वो बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन हमारे अंदर ना हो सके। और नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन ए एंड ई, जो कि हमारे नेजल पार्ट में पाए जा रहे होते हैं, ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं, ये याद कर लीजिए। ए और ई हमारे नेजल सीक्रीशंस में ये दो एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट क्या है भाई? नेजल म्यूकोसा में गॉबलेट सेल्स सीक्रीट करती है म्यूकस ब्लैंकेट को, जो कि बैकवर्ड मूव होती है कन्वियर बेल्ट के रूप में नेसोफेरिंग्स में, जैसे कन्वियर बेल्ट जा रहा हो वैसे नेसोफेरिंग्स में मूव होती है म्यूकस ब्लैंकेट, जो कि नेजल म्यूकोसा में गॉबलेट सेल से सीक्रेट होती है। ये ब्लैंकेट बनी होती है सुपरफिशियल म्यूकस और जेल लेयर से, या डीप सिरॉस और सॉल लेयर से। ये म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट दिखाई गई है भाई, जेल सॉल की स्ट्रक्चर देखिए, पार्टिकल ट्रैप्ड हो जाते हैं इस जेल लेयर के अंदर। ये जेल लेयर ऊपर दिखाई गई है, नीचे सॉल लेयर है और ये सीलिया हैं, जेल सॉल लेयर प्रोटेक्शन का काम करती है। ये सीलरी साइकिल है देखिए, एक्टिव स्ट्रोक आता है, रिकवर स्ट्रोक, एक्टिव स्ट्रोक में खड़े हो गए सारे सारे सीलिया और इस तरह से रोक रहे हैं, और रिकवर स्ट्रोक में ये आराम से शांत बैठ जाते हैं। अब म्यूकोसिलरी फंक्शंस कई बार हमारे अंदर कम हो जाता है, कौन कौन से फैक्टर से कम हो जाता है भाई? ये ड्राई एटमॉस्फेयर से, क्योंकि ह्यूमिडिटी होती नहीं तो म्यूकोसिलरी फंक्शन उतना प्रॉपर चल नहीं पाता। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स में रहते हैं और नेजल इरिटेंट्स उनके अंदर जाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों के अंदर म्यूकोसिलरी फंक्शन डिक्रीज हो जाता है। किसी को इन्फेक्शन हो गया हो, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम अगर हो गया है तब भी म्यूकोसिलरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपोक्सिया, डिक्रीज ऑक्सीजन अमाउंट या ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन का कम होना हाइपोक्सिया कहलाता है। तो हाइपोक्सिक कंडीशन में म्यूकोसिलरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। ये कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स अगर आप लेते हैं, जैसे एनेस्थेटिक्स आप लेते हैं, सेडेटिव्स लेते हैं, टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट जो आजकल बहुत लोग यूज़ करने लगे, भाई एनेस्थेटिक और सेडेटिव तो चलो किसी वजह से एनेस्थेटिक तो आपको लेना पड़ गया, सेडेटिव आप नशे के लिए लेते हो, और टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट तो लोग आजकल बहुत यूज़ करने लगे, नाक बंद हो गया है हमें खोलना है, या हमें जुकाम लगी पड़ी है हम नहीं चाहते हैं नाक बहे तो हमने ये ले लिया। तो भाई अगर इसका आप ज़्यादा यूज़ करेंगे म्यूकोसिलरी फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा आपका, इसलिए इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कोई बात, नाक बह रहा है साफ़ कर लेना, ये केमिकल्स यूज़ करने की कहाँ ज़रूरत है। या फिर बीटा ब्लॉकर्स, ड्रग्स होती हैं बीटा ब्लॉकर्स भी, तो इनका अगर आप यूज़ कर रहे होते हैं तब भी म्यूकोसिलरी फंक्शन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ये सारी साइड ड्रग्स आपके नेक्स्ट ईयर फार्मा के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे, वहाँ पर आपको ये सारी ड्रग्स के फंक्शन समझ में आएंगे। पर इन ड्रग्स का विदाउट एनी रीज़न यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये म्यूकोसिलरी फंक्शन को डिक्रीज़ कर देते हैं आपके नेसल पार्ट में। अब PNS का वेंटिलेशन देखिए भाई, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, इंस्पायरेशन पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है आपकी नेजल कैविटी के अंदर, जो कि सकआउट करता है एयर को पैरा नेजल साइनस से ऑस्टियम के द्वारा। और एक्सपायरेशन में एडीज विद इन द नेजल कैविटी क्रिएट पॉजिटिव प्रेशर दैट वेंटिलेट्स पैरा नेजल साइनस, साइनस को वेंटिलेट करने के लिए पॉजिटिव प्रेशर इसमें क्रिएट हो रहा है। ये PNS का वेंटिलेशन या इंस्पायरेशन हो रहा है, ये एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन नेगेटिव प्रेशर है और एक्सपायरेशन पॉजिटिव प्रेशर है। ये साइनस का ड्रेनेज देखिए भाई, सीलिया ड्रेन करते हैं साइनसेस को प्रोपेलिंग म्यूकस टूवर्ड नेचुरल ऑस्टिया की तरफ, म्यूकस को प्रोपेल करते हुए, जिससे कि म्यूकोसिलरी क्लियरेंस होता है। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस फ्रंटल साइनस में दिखाया गया है, ऑस्टियोमीटल कॉम्प्लेक्स यहाँ दिखाया गया, यहाँ पर ये जो ग्रीन एरो है ना, ये ड्रेनेज को दिखा रहे हैं, ये कैसे ड्रेन होता हुआ जा रहा है। म्यूकोसिलरी क्लियरेंस और मैक्सिलरी साइनस का म्यूकोसिलरी क्लियरेंस यहाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, जबकि फ्रंटल साइनस का ऊपर से नीचे होते हुए दिखाया गया है। ये फ्लूड कलेक्शन दिखाया गया है, यहाँ पर इस तरह से फ्लूड कलेक्ट हो जाता है साइनस में और ये इस तरह से बाहर निकल रहा होता है, यहाँ पर देखिए है ना। अब एंटीरियर साइनस ड्रेन होता है लेटरल फेरेंजियल गटर के अंदर,
जबकि पोस्टर साइनस ड्रेन हो रहा है पोस्टर फरेंजियल वॉल के ऊपर। दोनों देखो, येलो कलर का एरो एंटीरियर साइनस को दिखा रहा है और ग्रीन कलर का एरो जो है वो सॉरी येलो पोस्टर साइनस को और ग्रीन कलर का एंटीरियर साइनस को दिखा रहा है एरो। अब नेजल रेजिस्टेंस देखिए, एक्सपायर्ड एयर के लिए नेजल रेजिस्टेंस नेजल वॉल के द्वारा होता है जो कि पॉजिटिव प्रेशर बनाए रखता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और एल्वियोलर कोलैप्स को रोकता है ये। वोकल रेजोनेंस देखिए, नेजल कैविटी और पैरा नेजल साइनस जो है वो वोकल रेजोनेंस प्रोवाइड करता है नेजल कॉन्सोनेंट्स के लिए MNNG। डी नेजल वॉइस देखिए, हाइपो नेजल वॉइस भी इसको कहते हैं। ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जब नाक आपका बंद हो जाता है ना तो आपकी जो अजीब सी आवाज़ आ रही होती है उसको अपन डी नेजल वॉइस कहते हैं। नेजल कॉन्सोनेंट्स MN और NG प्रनाउंस होते हैं BD और G रेस्पेक्टिवली। जो MN और NG है वो BD और G प्रनाउंस हो रहे होते हैं जब डी नेजल वॉइस आ रही होती है तो। हम नेजल रिफ्लेक्स क्या है? स्मेल का रिफ्लेक्स है जिससे सलाइवा और गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन बढ़ जाता है। कभी बहुत अच्छा सा खाना बना होता है आपका फेवरेट वाला तो आपको स्मेल का रिफ्लेक्स मिलता है और सूंघते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है और भूख लग जाती है। पानी आता है क्योंकि सलाइवा सीक्रेशन बढ़ जाता है और भूख लग जाती है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होने स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आपको खाने की तब जब आप भूखे होते हो, पर जब आपका पेट भरा होता है तो ऐसे ही कोई स्मेल आपके अंदर नहीं आती, रिफ्लेक्स स्मेल रिफ्लेक्स नहीं होता। जब पेट खाली होता है फेवरेट आपका खाना बना तो आपको अचानक भूख लग जाएगी और आपके मुंह में पानी आ जाएगा, इवन सुन के भी आ जाता है ना। नेक्स्ट नेजो पल्मोनरी रिफ्लेक्स क्या है? ये क्रॉनिक सीवियर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि पल्मोनरी रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन को बढ़ा देता है। स्नीज रिफ्लेक्स आपको फॉरेन बॉडी से प्रोटेक्शन देने और इरिटेंट से प्रोटेक्शन देने के काम आ रहा होता है। नेजल साइकिल क्या है? रिफ्लेक्स पीरियोडिक ऑल्टरेशन है नेजल एयर फ्लो में जो कि रेजिस्टेंस देता है दो नेजल कैविटी के बीच में। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होता है। कंजेशन और डी कंजेशन के द्वारा, किसका कंजेशन डी कंजेशन हो रहा है? वीनस साइनोसॉइड्स का। इन्फीरियर टर्बिनेट्स और एंटीरियर नेजल सेप्टम में वीनस साइनोसॉइड्स के द्वारा कंजेशन और डी कंजेशन के कारण ऐसा देखने को मिल रहा होता है। हर एक साइकिल जो है वो 4 से 12 घंटे की चलती है, इसको अपन नेजल साइकिल कहते हैं जो कि रिफ्लक्स है। पीरियोडिक ऑल्टरेशन होता है नेजल एयर फ्लो में। क्या रिफ्लक्स है, क्या हो रहा है इसमें? पीरियोडिक ऑल्टरेशन हो रहा है नेजल एयर फ्लो में दो नेजल कैविटीज़ के बीच में। नेजल एयर फ्लो का रेजिस्टेंस है ये, इसको नेजल साइकिल कह रहे हैं। अब ये नेजल साइकिल मॉडिफाई हो जाती है कुछ फैक्टर्स के द्वारा, जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो आपके आसपास चल रही है, हेड की पोजीशन से, बॉडी के टेम्परेचर से। जो कोई आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, अगर आप इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेटस में पहुंच गए तो आपने देखा ना कई बार आप रोना स्टार्ट होता है तो नाक बहनी स्टार्ट होती है, आपको सांस आने में मुश्किल हो रही होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप मुंह से सांस लेते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो तभी मुंह से सांस लेनी पड़ जाती है, आप भाग रहे हो दौड़ रहे हो नाक से सांस नहीं ले पाते हो, पर लेनी नहीं चाहिए मुंह से सांस, है ना, हमेशा नाक से ही सांस लेनी चाहिए। या हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म किसी को हो जाए, नेजल डीकंजेस्टेंट और एंटी हाइपरटेंसिव्स कंडीशंस में, या अगर आप ऐसे ड्रग्स ले रहे हो तब भी ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी नेजल साइकिल मॉडिफाई हो जाती है। ख़त्म आपका रेस्पिरेशन वाला सारा प्रोसेस मैकेनिज्म सारी ख़त्म। अब ऑल्फैक्शन देख लें अपन थोड़ा सा स्मेल का। नोज़ में ऑल्फैक्ट्री एरिया देखिए भाई, कहाँ पे पाए जाते हैं? नेजल कैविटी के रूफ पर पाए जाते हैं। ये नेजल सेप्टम का सुपीरियर पार्ट बनाते हैं, क्रिविफॉर्म प्लेट, सुपीरियर टर्बिनेट और मिडल टर्मिनेट का अपर पार्ट, ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डायग्राम में दिखाया गया है ये मिडल टर्मिनेट, ये इन्फीरियर टर्मिनेट, ये सुपीरियर टर्मिनेट, ये सुपीरियर पोर्शन नेजल सेप्टम का, लेटरल वॉल, ऑल्फैक्ट्री बल्ब, ऑल्फैक्ट्री म्यूकोसा। अब ऑल्फैक्ट्री न्यूरल पाथवे देखिए, ऑल्फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो है नेजल म्यूकोसा में होते हैं जो कि ऑल्फैक्ट्री नर्व बंडल्स 20 नर्व बंडल से बने होते हैं, सिनेप्स होते हैं माइटल और टफ्टेड सेल्स के साथ में आपकी ऑल्फैक्ट्री बल्ब में। इसके एग्जॉन्स जुड़ करके ऑल्फैक्ट्री ट्रैक्ट बनाते हैं जो कि फ्लैटन्स होकर डिस्टली ऑल्फैक्ट्री ट्राइगोन बनाते हैं।
ये ट्राई फर्केट होते हैं ऑल्फैक्ट्री स्ट्राई के अंदर, और स्नैप्स होते हैं 1 से 2 डिग्री ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स के साथ में। ये देखिए प्राइमरी ऑल्फैक्ट्री कॉर्टेक्स दिखाया गया है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स और एमाइगडाला के साथ में ये बाइफर्केट हो रहा है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स जिसको अपन एंटोराइनल एरिया भी कहते हैं, और एमाइगडल जिस जो हाइपोथैलेमस और हिप्पोकैम्पस के साथ कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स दिखाई गई हैं, ये कॉन्ट्रोलेटरल साइड है, एंटीरियर कमीशर के साथ जा रही है। ये हिप्पोकैम्पस का पार्ट आपको पर्पल कलर का नीचे दिखाई दे रहा है, एंटोराइनल कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, एमाइगडेलॉइड कॉम्प्लेक्स है, पाइरिफॉर्म कॉर्टेक्स, ऑल्फैक्ट्री न्यूरो एपिथीलियम। अब ऑल्फैक्शन केवल सेंसेशन है, इज द ओनली सेंसेशन टू रीच द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अकेली यह सेंसेशन जो आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच रही है डायरेक्टली विदाउट फर्स्ट लेइंग एट थैलेमस, थैलेमस पे जाए बिना सीधा आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुंच रही है। ऑल्फैक्टरी पाथवे जो है लिम्बिक सिस्टम में इनकॉर्पोरेट होता है एंड इज कंसर्न्ड विद द इमोशनल बिहेवियर, मूड एंड रिसेंट मेमोरी। आपके इमोशनल बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, आपके मूड के साथ में आपके रिसेंट मेमोरी से जुड़ा हुआ पार्ट है। ऑल्फैक्टरी अगर डिसफंक्शन हो जाए तो क्यों हो जाता है? पहला तो अगर किसी का अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो गया हो, ऐसा 30% केसेस में देखा जाता है। ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल 30% केसेस में अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन है। इडियोपैथिक जो आपको नहीं कई बार पता चलता है 25%, हेड में ट्रॉमा होने से 20% केसेस में देखा जाता है कि डिसफंक्शन हो गया। 15% केसेस में ऑब्स्ट्रक्टिव साइनो नेजल डिजीज़ किसी को हो गया, जैसे राइनोसाइनोसाइट, नेजल पॉलिप और नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म कैंसर है नेजल पॉलिप्स में छोटे, ये भी हालांकि कैंसर जैसी स्ट्रक्चर नेजल में छोटे छोटे पॉलिप्स बन जाते हैं, इसे भरसा जाता है उसकी जो म्यूकस वाले पार्ट है ये पूरा। और राइनोसाइनोसाइटिस क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन होता है साइनस और का, राइनाइटिस साइनोसाइटिस एक साथ देखने में मिल रहा होता है इसके अंदर। या फिर न्यूरोलॉजिकल साइकैट्रिक डिजीज़ किसी को हो गई हो तो भी ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन हो जाता है, और इंट्राक्रेनियल नियोप्लाज्म किसी को हो गया हो, इंट्राक्रेनियल पार्ट का कैंसर। अब क्लासिफिकेशन देखिए, कंडक्टिव लॉस, सेंसोरी न्यूरल लॉस और सेंट्रल ऑल्फैक्टरी न्यूरल लॉस, ये तीन तरह के डिसफंक्शन देखने को मिलते हैं। कंडक्टिव लॉस में नेजल पैसेज में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जैसे कैसे आ जाएगा? क्रॉनिक नेजल इन्फ्लामेशन या पॉलीपोसिस की वजह से। सेंसोरी न्यूरल लॉस के अंदर न्यूरो एपिथीलियम डैमेज हो जाती है वायरल इन्फेक्शन या एयरबॉर्न टॉक्सिन की वजह से। और सेंट्रल ऑल्फैक्टरी न्यूरल लॉस में CNS डैमेज हो जाता है तब ऐसा देखने को मिलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके नाक की। अब ऑल्फैक्टरी डिसफंक्शन कितने तरह का हो सकता है? एनोस्मिया, हाइपोस्मिया, पैरोस्मिया, फैंटोस्मिया और हाइपरोस्मिया। ये नाम याद कर लीजिए भाई डिसफंक्शन के, ये आपके आपको हमेशा पता होने चाहिए। स्ट्रक्चर तो आप आगे कभी याद रखे नहीं रखे मुझे नहीं ध्यान है, पर हमें बीमारियां पता होनी चाहिए ना। हमारे पास केसेस आएंगे तो हमें वो केसेस देखने आने चाहिए कि क्या कंडीशन है, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है ना। एनोस्मिया क्या है भाई? ऑल्फैक्टरी सेंसेशन ख़त्म हो जाता है इन लोगों में, पता ही नहीं चलता कि किस तरह की स्मेल है। हाइपोस्मिया में ऑल्फैक्टरी सेंसेशन कम हो गया, हाइपो में कम हो गया, एनास में एन का मतलब पता चल रहा है एनोस्मिया एब्सेंट हो गया। पैरोस्मिया जिसको अपन कैकोस्मिया भी कहते हैं, इसमें प्लीजेंट ऑर्डर अनप्लीजेंट लग रही होती है, ऐसा परसेप्शन और के अच्छी खुशबू आ रही फिर भी हमें लग रही वो अच्छी नहीं आ रही, उसको पैरोस्मिया कहते हैं। फैंटोस्मिया ऑर्डर का परसेप्शन आ रहा है ऑल्फैक्टरी स्टिम्युलस के एब्सेंस में भी, कोई कहीं से कोई स्मेल नहीं आ रही फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ स्मेल आ रही है, कुछ ऐसा कुछ खुशबू आ रही है जबकि आ ही नहीं रही, तभी आपको लग रहा होता है, उसको फैंटोस्मिया कहते हैं। और हाइपरोस्मिया इसमें ऑल्फैक्टरी सेंसेशन बढ़ जाती है। हाइपरोस्मिया कई लोग होते हैं आपको देखा करो, हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि आसपास कोई स्मेल आ रही है, उनको पहले ही पता चल जाता है, बहुत दूर से पता चल जाता है कि अरे वहाँ से वो स्मेल आ रही है, उस चीज़ की स्मेल आ रही है, बारिश होने वाली है उसकी स्मेल आ रही है, बारिश हो रही है उसकी स्मेल हमें भी आएगी, पर होने वाली उससे पहले स्मेल आ जाना, तो ये हाइपरोस्मिया कंडीशन है। अब ऑल्फैक्टरी फंक्शन को आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि भाई वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है? तो सुप्रा थ्रेशोल्ड टेस्ट है, थ्रेशोल्ड ऑल्फैक्टोमेट्री होता है। सुप्रा थ्रेशोल्ड टेस्ट के अंदर हम केवल ऑर्डर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। स्मेल बॉटल स्मेल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसमें करवाया जाता है।
थ्रेशोल्ड ऑल्फैक्टोमेट्री के अंदर अपन वीकेस्ट परसेप्टेबल ऑर्डर को मेज़र करते हैं सीरियल डाइल्यूशन के द्वारा, कि आप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे और पूछते जाते हैं कि अब स्मेल आ रही है क्या, अब स्मेल आ रही है क्या। ये मैनुअल भी कहता है और डायनामिक यानी ऑटोमेटेड भी होता है। ये देखो, ये दिखाया गया कि डाइल्यूट करते जाओ और सूंघते जाओ कि आपको कहाँ पे स्मेल आनी किसी पर्टिकुलर चीज़ की बंद हो गई। ये मैनुअल थ्रेशोल्ड ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्टोमेट्री टेस्ट दिखाया गया आपको डायग्राम में, और ये डायनेमिक थ्रेशोल्ड ऑल्फैक्टरी टेस्ट है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया स्मेल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट UPSIT, मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट है स्मेल का पूरे वर्ल्ड वाइड। 4 बुकलेट्स हैं, 10 माइक्रो एनकैप्सुलेटेड ऑर्डर स्टिम्यूलाई की स्क्रैच स्निफ फॉर्मेट इसमें दिया गया है। 4 रिस्पॉन्सेज दिखाए गए हैं हर एक ऑर्डर के लिए, और फोर्स्ड चॉइस डिज़ाइन इसमें बताई गई है UPSIT के अंदर। ये स्मेल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सैंपल है भाई, गैसोलीन के, पिज्ज़ा की, पीनट और फ्लावर की, आप इनमें से बताइए आपको कौन सी स्मेल कैसी लग रही है। फिर रिज़ल्ट इस तरह से देते हैं कि नॉर्मल है तो 36 से 40 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो नॉर्मल मार्क्स या परसेंटेज आ रहे होते हैं। 16-35 है तो पार्शल एनसोमनिया, 6-15 है टोटल एनसोमनिया है, और 0-5 है तो मेलिंजाइरिंग कंडीशन है। तो आप इस तरह से पूछ करके पता करते हैं, रिज़ल्ट उसको बताते हैं। इसके साथ आपका ये नेज़ल का पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नोज और PNS की एना और फिजियो मैंने आपको दोनों करवा दी है। अब आपका थ्रॉट का टॉपिक बाकी है जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।